हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हो रही बहुत तेज बारिश, तो मैं पूजा करके नहा धो के मैं इधर आ गई थी बालकोनी में, तो यहाँ देख रहे हैं बहुत तेज बारिश हो रही है। और हमने चाय बना के पी ली थी, और ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। यहाँ पे दो दिन से बारिश लगातार हो रही है, तो आज मैं कुछ हेल्दी और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ये आप इवनिंग के टाइम पे या सुबह मॉर्निंग के टाइम पे भी खा सकते हैं। तो ये मूंगफली को मैंने रात भर पानी में भिगा के रख दिया था, और ये नाश्ता बहुत हेल्दी होता है और मतलब बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आप इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने मूंगफली को पहले बॉयल किया था, मैंने 10 मिनट इसको बॉयल किया, और मैंने एक पैन रख दिया है इसमें, और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ऑयल डाल के हल्का सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ज़्यादा सा नहीं। और उसके बाद में मैंने इसमें वाइट तिल डाल दिए हैं। तिल जो है थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये हेल्दी भी होते हैं। तो इसके बाद में ये जो मूंगफली मैंने बॉयल की थी, हल्का मैं रोस्टेड करूंगी इसको, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का सा मैंने इसको रोस्ट कर ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूंगफली हमारी जो है रोस्टेड हो चुकी थी। मैंने ज़्यादा हल्का सा मैंने इसको उलट पलट के रोस्ट किया था, और इसको ठंडा करके अब इसमें मैंने जो खीरा कट किया है, तो खीरा इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और बाकी जो मैंने सब्जियाँ इसमें ऐड कट की थी, टमाटर है, हरी मिर्च, धनिया और नींबू का रस, इस तरह से जो भी आप सब्जी इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें हमने प्याज नहीं डाला है, आप लोग प्याज ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी होती है, जैसे जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और तो वो इसको मतलब खा सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी भी होती है, तो आप इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। तो इसमें आप और भी सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। और तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके, लाइक करके बताइए, और आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो आप लोगों को कमेंट्स करके बताइए रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।